Assalamualaikum. Good morning, students of class 5. Open your page number 14. On page number 14, today we work on question number 3 from exercise 1C. Student, question number 3 में आपके पास क्या given है? Select the correct answer from the given option. आपको हर एक statement के साथ 4 options given है. आपको 4 options में से एक correct answer को select करना है, जो कि इस statement को complete कर रहा होगा. ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल पुट योर पेंसिल इन योर हैंड देन राइट डाउन कंप्लीट डेट हियर. स्टूडेंट यहाँ जो है मैं आपको हर एक स्टेटमेंट की क्लियर एक्सप्लेनेशन देती चली जाऊंगी. मींस हर एक स्टेटमेंट को यहाँ हम खुद से सॉल्व करेंगे, जो कि हमें हेल्प करेगा करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करने में. ठीक है, फर्स्ट वन आपके पास जो स्टेटमेंट गिवन है वो है 100,000 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू. उन्होंने कहा जब हम 100,000 को डिवाइड करेंगे 100 से तो वो किसके बराबर आ जाएगा, आपको वो बताना है. तो यहाँ हम सबसे पहले खुद से डिवाइड करेंगे ताकि हमें करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करने में हेल्प हो सके. A 100,000 divided by 100. स्टूडेंट जब आप 100,000 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो भी आंसर आएगा तो इट मीन्स वो इसके बराबर होगा. तो 100 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि आंसर आपके पास 100,000 आ जाए. जब 100 को 1,000 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो 100,000 के बराबर आ जाता है. ठीक है, क्लियर हो गई बात. तो जब 100,000 में से 100,000 को लेस करेंगे तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा आपके पास, कुछ भी नहीं. ठीक है, अगेन रिपीट कर रही हूँ कि 100,000 यानी कि 100 को जब आप 1,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 100,000 के बराबर आ जाएगा. तो जब आप 100,000 में से 100,000 को लेस करेंगे तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, कुछ भी नहीं. ठीक है, तो जब हमने 100,000 को 100 से डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, 1,000. क्या आ गया हमारे पास, 1,000. अब हम अपने ऑप्शंस की तरफ चलते हैं. ऑप्शंस में आपके पास क्या गिवन है, फर्स्ट वन में 100, देन क्या गिवन है 10,000, देन 10,000,000 और लास्ट में आपके पास क्या गिवन है, 1,000 गिवन है. तो इट मीन्स 1,000 फोर्थ वन ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वो उसी आंसर से सिमिलर है जो आंसर हमारा है. तो इट मीन्स 4-1 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. यू ऑल्सो सेलेक्ट विद मी इन योर बुक और उसमें क्या गिवन है आपके पास, 1,000 गिवन है. ठीक है, क्लियर है बात. नाउ बी, बी में आपके पास क्या गिवन है, द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर मल्टीप्लाई बाय 100 गिव्स. उन्होंने कहा जब स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर को 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, आपको वो बताना है. तो सबसे पहले यहाँ हम स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करके शो करूँगी मैं आपको, ताकि करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करने में हेल्प हो सके. क्या बात की जा रही है, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर्स क्या होते हैं. स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, जब भी आपसे बात स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर्स की जाती है तो वो किसके बराबर होते हैं, वो 100,000 के बराबर होते हैं. ठीक है, जब भी आपसे स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर्स की बात की जाती है तो वो 100,000 के बराबर होते हैं. क्यों, क्योंकि वहाँ पर आपके पास 6 डिजिट गिवन है, 1, 2, 3, 4, 5 6 डिजिट है और स्मॉलेस्ट नंबर सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, 1 होता है. तो इट मीन्स जब हम 1 के साथ 100 को राइट, 1 के साथ जीरोस को राइट करेंगे तो जो कंप्लीट नंबर होता है वो 100,000 आ जाता है, जो कि किसके बराबर होता है, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर्स के बराबर होता है. क्लियर है बात यहाँ तक. अब उन्होंने हमसे बी वन ऑप्शन में क्या कहा था, मतलब बी वन जो स्टेटमेंट आपके पास गिवन था उसमें उन्होंने हमसे क्या कहा था, द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर मल्टीप्लाई बाय 100, 6 डिजिट नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करना. तो 6 डिजिट नंबर्स क्या है आपके पास, 100,000, यानी कि 100,000 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दिस. जब जीरो से किसी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर क्या आता है, जीरो ही आता है. तो 0, 0, 0, 0, देन अगेन 0, देन अगेन 0, अगेन 0, 0, 1, 0. सेकेंड स्टेप करेंगे, क्योंकि अगेन हमारे पास कितने नंबर्स यहाँ गिवन है, 1, 2, 3 डिजिट्स गिवन है जिसको आपको 100,000 से मल्टीप्लाई करना है. आपने 0 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर लिया फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में अगेन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे. लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करने से पहले हम राइट हैंड साइड के फर्स्ट डिजिट के नीचे क्रॉस लगाएंगे, ये मल्टीप्लीकेशन का रूल होता है. स्टेप बाय स्टेप जब हम चलते चले जाएंगे तो हम क्रॉस की एडिशन करते चले जाएंगे राइट हैंड साइड से. सेकेंड स्टेप में आप जस्ट 1 क्रॉस की एडिशन करोगे राइट हैंड साइड के फर्स्ट डिजिट के नीचे. देन अगेन आपके पास 0 गिवन है, 0 को से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर 0 ही आता है. 0, 0, 0, देन अगेन 0, अगेन 0, अगेन 0, अगेन 0, एंड 0, 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरोज आ गए. देन आपके पास लास्ट वन नंबर क्या गिवन है, 1, 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे थर्ड स्टेप में, और थर्ड स्टेप में हम 2 क्रॉस की एडिशन करेंगे राइट हैंड साइड्स के 2 डिजिट्स के नीचे. ओके, देन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1, 0, 0,
वन जीरो ज़ा ज़ीरो, वन ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, देन अगेन वन ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, वन ज़ीरो ज़ा ज़ीरो और वन वन ज़ा वन। अब हम क्या कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन के एंड में, जब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तमाम डिजिट से, फिर हम लास्ट में क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं लाइक दिस। ओके, ज़ीरो अगेन ज़ीरो, ज़ीरो 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 एंड ज़ीरो, और लास्ट में ज़ीरो और वन आ गया। तो जब आपने 100,000 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 10 मिलियंस आ गया। कैसे पता चला 10 मिलियंस आ गया, क्योंकि 10 मिलियंस में कितने जीरोज़ होते हैं, 10 मिलियंस में हमारे पास 7 जीरोज़ होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जीरोज़ ही हैं और 1 है, तो इट मींस ये किसके बराबर है, 10 मिलियंस के बराबर है। ठीक है, मैं आपको प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग भी क्लियर कर देती हूँ। राइट हैंड साइड से जब हम प्लेस वैल्यू देना स्टार्ट करते हैं तो 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन एंड 10 मिलियंस, तो इट मींस ये जो नंबर आपके पास मल्टीप्लाई के बाद आया है तो वो क्या है, 10 मिलियंस आया है। मैं आपको यहाँ नेम्स में राइट करके क्यों क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि आपके पास जो ऑप्शन गिवन है वो आपको नेम्स के अकॉर्डिंग ही गिवन है। ठीक है, अब हम अपने ऑप्शन की तरफ चलते हैं। आपके पास ऑप्शन क्या गिवन है, फर्स्ट वन में 100,000, देन 10 मिलियन, देन 1000 एंड 100 मिलियन। तो इट मीन्स जो सेकंड वन ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वहाँ पर आपके पास क्या गिवन है, 10 मिलियन। यू ऑल्सो सेलेक्ट विद मी इन योर बुक। नाउ सी, सी में आपके पास क्या गिवन है, एसोसिएटिव लॉ इज ट्रू फॉर, एसोसिएटिव लॉ जो है वो सही होता है किसके लिए। लास्ट क्लास में मैं आपको एसोसिएटिव लॉ के बारे में ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ। एसोसिएटिव लॉ जो है वो मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन के लिए यूज़ किया जाता है, वो उसके लिए सही होता है। और यहाँ हमारे पास जो ऑप्शन गिवन है वो है एडिशन, डिवीजन, एक्सपेंशन एंड सब्ट्रैक्शन। आपके पास मल्टीप्लीकेशन यहाँ गिवन नहीं है, जस्ट एडिशन गिवन है, तो इट मींस फर्स्ट वन ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ जो होता है वो ट्रू होता है किसके लिए, एडिशन के लिए। फर्स्ट वन ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, यू ऑल्सो सिलेक्ट विद मी इन योर बुक। ओके, नाउ डी, डी में आपके पास क्या गिवन है, 5,694 डिवाइडेड बाय 3। जब 5,694 को डिवाइड करेंगे 3 से तो वो किसके बराबर आ जाता है, सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे ताकि हमें हेल्प हो सके करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करने में। ओके, डी क्या गिवन है आपके पास, 5,694 डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, सबसे पहले करेंगे 13 4 52, देन लेस किया, माइनस किया, माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा, 6 में से 2 को लेस किया 4, 6 में 5 में से 5 को लेस किया 0। ठीक है, उसके बाद हमने 9 को कॉपी किया, सेकंड डिजिट को यहाँ कॉपी करेंगे थर्ड वन डिजिट को। 13 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा, या तो 49 आ जाए या उससे नियरेस्ट नंबर आ जाए। ठीक है, तो 13 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 39, क्योंकि सबसे ज़्यादा नियरेस्ट यही नंबर आ रहा है। देन लेस करेंगे, 9 में से 9 को लेस किया 0, 4 में से 3 को लेस किया 1, देन लास्ट नंबर जो है वो कॉपी किया 4, यानी कि 104 हो गया। 13 को कौन से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 104 आ जाए या उससे नियरेस्ट नंबर आ जाए, तो यानी कि जब 13 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, 104 आ जाता है। ठीक है, जब हम लेस करेंगे 104 में से 104 को लेस किया तो आंसर आपके पास क्या आ जाता है, 0 ही आ जाता है। ठीक है, तो 5,694 को जब 13 से डिवाइड किया जाता है तो आंसर क्या आ जाता है आपके पास, 438। क्या आ गया आंसर आपके पास, 438। अब हमने ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। आपके पास ऑप्शंस क्या गिवन है, फर्स्ट वन जो ऑप्शन गिवन है वो है 428, देन 438, देन 448 और लास्ट में जो आपके पास गिवन है 408 गिवन है। तो इट मींस जो सेकंड वन ऑप्शन आपके पास गिवन है वो बिल्कुल सिमिलर है उस आंसर से जो हमारे डिवीजन के बाद आया है। तो इट मींस हम कौन सा ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट बी सिलेक्ट करेंगे, यानी कि सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, उसमें आपके पास क्या गिवन है, 438। यू ऑल्सो सिलेक्ट विद मी इन योर बुक। नाउ ई, ई में आपके पास क्या गिवन है, 698,257 मल्टीप्लाई बाय 24। उन्होंने कहा 698,257 को जब मल्टीप्लाई किया जाता है 24 से तो वो किसके बराबर आ जाता है, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करने में हेल्प हो सके। किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 698,257 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 24 से। सबसे पहले हम 4 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 क्योंकि राइट हैंड साइड से ही मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। 4 7 28 28 का 2 हमने कैरी कर दिया, 8 हमारे पास रिमेनिंग नीचे रह गया। ठीक है, 4 5 20 20 में 2 प्लस करते हैं, जो पर हमारे पास कैरी किया हुआ नंबर आते हैं हम उसको ऐड करते हैं मल्टीप्लीकेशन के आंसर के बाद। तो 4 5 20 20 में 2 प्लस किया कितना हो जाएगा, 22 का 2 हमने कैरी कर दिया और 2 हमने नीचे राइट किया। फर्स्ट डिजिट कैरी कर देते हैं, सेकंड डिजिट को नीचे राइट करते हैं। ओके, 4 2 8 8 में 2 प्लस किया तो किसके बराबर आ जाता है, तो वो 10 के बराबर आ जाता है। तो 0 हमने यहाँ राइट किया और 1 हमने कैरी कर दिया। ओके, 8 पे
एट पे कैरी करेंगे, ओके, क्योंकि टू के बाद एट आ रहा है तो हम एट पे कैरी करेंगे। फोर एट ज़ा 32, 32 में 1 प्लस किया तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 33 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक। उसके बाद 4 9 ज़ा 36, 36 में 3 प्लस किया 37, 38, 39, तो 39 का 3 हमने कैरी कर दिया और 9 हमने यहाँ नीचे राइट कर दिया, ओके। लास्ट में आपके पास क्या है, 4 और 6, 4 6 ज़ा 24, 24 में 3 प्लस किया 25, 26, 27, तो 27 को हमने एज इट इज़ राइट कर लिया। क्यों? क्योंकि आगे और कोई नंबर नहीं है जिसके ऊपर हम उसको कैरी कर सकें, ओके। नाउ सेकेंड स्टेप स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड के फर्स्ट डिजिट के नीचे जो है वो क्रॉस लगाया जाता है। अब आपके पास सेकेंड नंबर क्या गिवन है, 2 नंबर गिवन है और 2 सब हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 7 ज़ा 14, 14 का 4 यहाँ और 1 हम कैरी कर देंगे। 2 5 ज़ा 10, 1 प्लस कर लिया 2 5 ज़ा 10, 1 प्लस किया 11 हो जाता है, 11 का 1 कैरी कर दिया और 1 हमने नीचे राइट किया। 2 2 ज़ा 4, 1 प्लस किया कितना आ जाएगा 5, देन 2 8 ज़ा 16, 16 का 6 यहाँ राइट किया, 1 हम कैरी कर देंगे लाइक दिस। 2 9 ज़ा 18, 18 में 1 प्लस किया 19 हो जाता है, 19 का 1 कैरी कर दिया, 9 हम नीचे राइट करेंगे। 2 6 ज़ा 12, 1 प्लस किया कितना आ जाएगा 13। सो आप देख सकते हैं मैं 4 से भी मल्टीप्लाई कर चुकी हूँ और मैं 2 से भी मल्टीप्लाई कर चुकी हूँ, यानी कि 24 से कंप्लीट हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम दोनों के नंबर्स को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के एंड में हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। 8 4 में 2 को प्लस किया कितना आ जाएगा 6, 1 में 0 को प्लस किया 1, 5 में 3 को प्लस किया क्या आ जाएगा 8, देन 6 में 9 को प्लस किया तो किसके बराबर आ जाता है 15, 15 का 5 यहाँ, 1 हम कैरी कर देंगे। 9 एंड 7 कितना हो जाता है 16, 16 में 1 को प्लस किया 17 हो जाएगा, 17 का 7 यहाँ, 1 अगेन कैरी कर दिया हमने। 3 एंड 2 कितना हो जाता है 5, 5 में 1 प्लस किया 6 और 1 एज इट इज़ आ गया, उसके नीचे या ऊपर कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम उसके साथ प्लस कर सकें। सो स्टूडेंट, जब हमने 698,257 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, 16,758,168। अब हम अपने ऑप्शंस की तरफ चलते हैं, हमारे पास ऑप्शंस क्या गिवन है। फर्स्ट वन जो ऑप्शन गिवन है वो क्या है, 16,858,168। सेकंड पे क्या गिवन है, 16,868,168। थर्ड में क्या गिवन है, 16,758,168। और लास्ट में आपके पास क्या गिवन है, 16,758,178। तो थर्ड वन जो आपके पास ऑप्शन गिवन है वो बिल्कुल सिमिलर है उस आंसर से जो आंसर हमारा है, उसमें क्या गिवन है, 16,758,168। तो थर्ड वन ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, यू ऑल्सो सिलेक्ट विद मी इन योर बुक, ओके। सो स्टूडेंट, यहाँ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, वहाँ पर आपके पास ए बी सी डी एंड ई तक पार्ट गिवन थे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमने बुक में ही अटेम्प्ट किया। आई होप आपको अच्छे से मेरी बात यहाँ क्लियर हो गई है, किसी को कोई कंफ्यूजन ना रही हो कि हमने जो भी आंसर सेलेक्ट किया है वो हमने किस रीजन से किया है, ओके। नाउ ओपन योर पेज नंबर 15। ऑन पेज नंबर 15 टुडे वी वर्क ऑन क्वेश्चन नंबर 11, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर मैथ्स कॉपीज एंड मेंटेन योर पेज लाइक दिस। फर्स्ट राइट डाउन कंप्लीट डेट हेयर, एक्सरसाइज 1C पेज नंबर 15, एक्सरसाइज एंड पेज नंबर आपको लाजमी मेंशन करना है। देन मेक अ लाइन प्रॉपरली, राइट डाउन कंप्लीट क्वेश्चन हेयर एंड कॉपी और पार्ट ए एंड सी, ए एंड सी पार्ट को कॉपी करेंगे, ओके। स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास यहाँ गिवन है वो है राइट वर्टिकली एंड मल्टीप्लाई। आपको इसको वर्टिकली राइट करना है और यहाँ फिर आप उसको मल्टीप्लाई भी करना है। मल्टीप्लीकेशन ऑलरेडी मैं आपको जो है एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, पेज नंबर 14 के क्वेश्चन नंबर 3 में हमने 2 पार्ट्स किए थे मल्टीप्लीकेशन के। मैंने आपको वहाँ मल्टीप्लाई करके क्लियर किया था कि किस किस वे में हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ मैं आपको अगेन एक्सप्लेन करूँगी, देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल इसी वे में जो है आपको वर्क कॉपी करना है जिस वे में मैं आपको शो कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 कॉपी करने के बाद ए एंड सी पार्ट कॉपी करना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 पे जो आपके पास ए पार्ट गिवन है वो क्या है, 291,200 मल्टीप्लाई बाय 39, यानी कि 291,200 को मल्टीप्लाई करना है 39 से। तो हम राइट करेंगे सबसे पहले 291,200 मल्टीप्लाई बाय 39, इस वे में राइट करेंगे, ओके। जब किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर हमेशा जीरो ही आता है। जब भी हम मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस करते हैं तो वो भी हम राइट हैंड साइड से ही करते हैं, और राइट हैंड साइड पे आपके फर्स्ट वन जो डिजिट गिवन है वो है 9। आप सबसे पहले 9 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड स्टेप में, ठीक है। तो सबसे पहले हम 9 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, 9 0 ज़ा 0, 9 0 ज़ा 0, 9 2 ज़ा क्या हो जाता है 18 हो जाता है, 18 का 8 हमने यहाँ राइट किया और 1 हम कैरी कर देंगे लाइक दिस।
सेकेंड डिजिट नीचे राइट किया जाता है, फर्स्ट डिजिट को हम नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट डिजिट पे जो है वो कैरी कर देते हैं. ओके, देन 9 ones are 9 और आपके पास ऊपर जितने भी नंबर कैरी किए हुए आते हैं उन सबको हम उसमें ऐड कर लेते हैं. तो 9 ones are 9, 1 प्लस क्या किसके बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा. तो 0 हमने यहाँ राइट किया और 1 हमने अगेन कैरी कर दिया लाइक दिस. क्लियर है बात. देन 9 nines are 81 में 1 प्लस कर लेंगे कितना आ जाएगा 82. 8 हमने ऊपर राइट किया और 2 हमने नीचे राइट किया, मतलब 8 कैरी कर दिया और 2 हमने नीचे राइट किया. 9 twos are 18 में क्या कर लेंगे, 8 को हम प्लस कर लेंगे. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 कितना आ रहा है, 26 आ जाएगा. तो 26 को हम एज इट इज़ कम्प्लीट राइट कर लेंगे. क्यों, क्योंकि आगे और कोई नंबर नहीं है, कोई और ऐसा डिजिट नहीं है जिसके ऊपर हम कैरी कर सकें. ओके, अब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. सेकेंड स्टेप में जब हम मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड के फर्स्ट डिजिट के नीचे क्रॉस लगाया जाता है, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन का रूल है. ठीक है, राइट हैंड साइड के फर्स्ट डिजिट के नीचे हम फर्स्ट नंबर पे जो है वो उसके नीचे मल्टीप्लाई यानी कि क्रॉस का साइन राइट करते हैं. उसके बाद हम सेकेंड स्टेप में मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. और अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 zeros are 0, 3 zeros are 0, 3 twos are 6, देन 3 ones are 3, 3 nines are 27. 27 का 2 हम ऊपर राइट करेंगे और 7 हम नीचे, यानी कि 2 कैरी कर देंगे और 7 हम नीचे राइट करेंगे. 3 twos are 6, 6 में जब 2 प्लस किया तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 8 के बराबर आ जाएगा. क्लियर है बात. नाउ हम प्लस कर लेंगे, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में जब हम दोनों स्टेप में या 2 या 3 स्टेप में जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो भी 2 स्टेप में मल्टीप्लीकेशन की होती है उन सबको हम ऐड कर लेते हैं. तो यहाँ पर भी हम ऐड करेंगे लाइक दिस. 0, 0 में 0 ऐड किया 0, 8 में 0 को ऐड किया 8, देन 6 में 0 को ऐड किया 6, देन 3 में 2 को प्लस किया किसके बराबर आ जाएगा, 5, देन 6 में या 7 को प्लस किया 6, 7 को तो किसके बराबर आ जाएगा, 13 के बराबर आ जाएगा. प्लस करके भी मैं आपको शो कर देती हूँ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 का 3 यहाँ 1 हमने कैरी कर दिया. ठीक है, 8, 9, 10, 8 में जब 2 को प्लस किया 10 और 1 प्लस किया तो कितना आ जाएगा, 11. ठीक है, क्लियर हो रही है यहाँ तक बात आपको. जब हमने 291,200 को 39 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, 11,356,800. और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. ओके, नाउ पार्ट सी. पार्ट सी में आपके पास क्या गिवन है, 758,912 मल्टीप्लाई बाय 131. अब हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, 758,912 को किससे, 131 से. ओके, राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 3 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, देन लास्ट में अगेन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, 1 twos are 2, 1 ones are 1, 1 nines are 9, 1 eights are 8, 1 fives are 5, 1 sevens are 7. ठीक है, नाउ सेकेंड स्टेप में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. और 3 से मल्टीप्लाई करने से पहले हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड के फर्स्ट डिजिट के नीचे जो है वो क्रॉस लगाएंगे लाइक दिस, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन का रूल है. जब भी हम सेकेंड स्टेप में मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं किसी भी डिजिट को तो हम राइट हैंड साइड के फर्स्ट डिजिट के नीचे क्या लगाते हैं, एक क्रॉस लगाते हैं. ओके, नाउ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 twos are 6, 3 ones are 3, 3 nines are 27, 2 हम ऊपर कैरी कर देंगे, 7 हम नीचे राइट करेंगे. 3 eights are 24, 24 में 2 को प्लस किया 25, 26, 2 हमने ऊपर राइट किया, 6 हम नीचे राइट करेंगे. 3 fives are 15, 15 में 2 प्लस किया 17, 17 का 7 यहाँ 1 अगेन कैरी कर दिया हमने. 3 sevens are 21, 1 प्लस किया 22, 22 हम कंप्लीट राइट कर लेंगे लाइक दिस, क्योंकि उसके आगे 7 के आगे कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके आगे हम उसको कैरी कर सकें आगे नंबर को. ठीक है, नाउ थर्ड स्टेप में हम अगेन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. जब हम थर्ड स्टेप स्टार्ट करते हैं तो थर्ड स्टेप के लिए हम राइट हैंड साइड के 2 डिजिट्स के नीचे क्रॉस लगाते हैं लाइक दिस. ठीक है, फर्स्ट स्टेप को हम एज इट इज करते हैं, सेकेंड स्टेप में हम राइट हैंड साइड के फर्स्ट डिजिट के नीचे क्रॉस लगाते हैं, थर्ड स्टेप में हम राइट हैंड साइड के 2 डिजिट के नीचे क्रॉस लगाते हैं लाइक दिस. अगर आपके पास यहाँ 4 डिजिट गिवन होते हैं तो हम फोर्थ स्टेप में 3 डिजिट के नीचे क्रॉस लगाते हैं, लेकिन जैसे यहाँ आपके पास 3 डिजिट्स गिवन है तो यानी कि थर्ड वन स्टेप में जब आप क्रॉस लगाओगे तो राइट हैंड साइड के 2 डिजिट के नीचे क्रॉस लगाओगे लाइक दिस, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन का रूल है. उसके बाद हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं. अगेन आपके पास 1 गिवन है, 1 से तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. 1 twos are 2, 1 ones are 1, 1 nines are 9, 1 eights are 8,
वन फाइव ज़ा फाइव एंड वन सेवन ज़ा सेवन। अब आपने तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया, अब हम इन तीनों नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ओके, देन ऐड करना स्टार्ट करते हैं। टू में ज़ीरो को ऐड किया, टू सिक्स और वन कितना हो जाता है सेवन, ठीक है। टू एंड थ्री फाइव, फाइव में जब नाइन को प्लस किया तो वो किसके बराबर हो जाएगा, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, फोर्टीन के बराबर हो जाता है। फोर्टीन का फोर हमने यहाँ राइट किया, वन हमने कैरी कर दिया। ओके, जो प्लस के यानी कि एडिशन के रूल में होता है वही करेंगे हम यहाँ पर। सेवन और वन कितना हो जाता है एट, एट में जब एट को प्लस करते हैं तो वो किसके बराबर हो जाए सिक्सटीन, सिक्सटीन में वन प्लस किया कितना हो जाएगा सेवनटीन, सेवनटीन का सेवन यहाँ वन अगेन कैरी कर दिया हमने। नाइन एंड सिक्स कितना हो जाता है फिफ्टीन हो जाता है, फिफ्टीन में फाइव प्लस किया ट्वेंटी, ट्वेंटी में वन प्लस किया ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन का टू हम कैरी कर देंगे, वन हम नीचे राइट करेंगे लाइक दिस। देन एट में जब सेवन को प्लस करते हैं तो वो किसके बराबर होता है फिफ्टीन के बराबर हो जाता है। ओके, एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, फिफ्टीन में अगेन सेवन प्लस करोगे सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू, ट्वेंटी टू में आप वन, ट्वेंटी टू में आप टू प्लस करोगे ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर किसके बराबर हो जाता है वो ट्वेंटी फोर, फोर हम नीचे राइट करेंगे, टू हम कैरी कर देंगे लाइक दिस। फाइव में जब टू को प्लस करेंगे तो वो सेवन के बराबर हो जाएंगे, सेवन में जब आप टू प्लस करोगे तो वो किसके बराबर हो जाएंगे नाइन के बराबर हो जाएंगे। ओके, देन सेवन में टू को प्लस किया तो वो किसके बराबर हो गया नाइन के बराबर हो गया। सो स्टूडेंट, जब हमने 758,912 को 131 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया आपके पास, 99,417,472 और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, बिल्कुल इसी वे में वर्क करेंगे जिस वे में मैं आपको यहाँ वर्क शो कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 पे जो आपके पास गिवन पार्ट्स हैं वो टोटल पार्ट्स हैं आपके पास ए टिल एफ। आज जो हमने वर्क किया है वो ए एंड सी पे वर्क किया है। ओके, बी डी ई और एफ जो है आप होमवर्क में अटेम्प्ट करोगे। अगेन रिपीट कर रही हूँ, आपके पास जो गिवन पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे वो ए टिल एफ तक है। आज जो मैंने आपको पार्ट राइट किए यहाँ पर, यहाँ पे जिसकी एक्सप्लेनेशन दी है वो है ए एंड सी, और जो रिमेनिंग पार्ट्स रह गए बी डी ई और एफ आप खुद से अटेम्प्ट करोगे इन योर होमवर्क। ओके, क्लियर है। टू डिजिट नंबर्स को भी मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस मैंने आपको क्लियर कर दिया, और थ्री डिजिट नंबर्स का भी मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस मैंने आपको क्लियर कर दिया। आई होप आपको अच्छे से मेरी बात यहाँ क्लियर हो गई हो, होमवर्क करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर यहाँ मेरी बात अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी तो। ओके, टुडे क्लासेस फिनिश नाउ, थैंक यू।